दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश, आपका अपना चैनल एलेक्स सत्या में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में, 2021 में जो होने वाला है। मैट्रिक इंटर पास स्टूडेंट का जो अभी क्वेश्चन आ रहा था कि कितना पैसा मिलेगा स्कॉलरशिप में, कितने पैसे मिलेंगे, ये सारा जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आ रहे थे कि 12th पास सेकेंड वालों को कितना पैसा मिलेगा, अर्थात 12th में SC कास्ट वाले लड़के को कितना पैसा मिलेगा और कब अप्लाई होगा, और NSP के बारे में भी सवाल ढेरों सारे आ रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो 12th अगर यदि इस बार मैट्रिक और इंटर पास किए हैं 2021 में, तो आपको स्कॉलरशिप कितने रुपये मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो मेरे इस वीडियो में लास्ट एंड तक बिल्कुल बने रहिए। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारियाँ के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे बिहार हेल्प करके एक वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना है, उस वेबसाइट पे पहुँच जाना। इस वेबसाइट पे सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और मिल जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का आइकन खुल के आएगा, तो यहाँ पे 3 लाइन जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे स्कॉलरशिप का है बटन, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैट्रिक कैंडिडेट वालों के लिए, जिनका स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने पैसे आएंगे, ये सारा जानकारियाँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक वाले के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद ये सारी जानकारियाँ यहाँ बताया जा रहा है। तो मैं बात बता दूँ कि यहाँ पे मैट्रिक कैंडिडेट वाले को लड़की और लड़के दोनों को, मेल एंड फीमेल दोनों को, यहाँ पे मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न वाले को पैसा मिलता है। सेकंड डिवीज़न वाले किसको पैसा मिलता है, तो जो SC ST कास्ट में आते हैं। तो ये सारी जानकारी है। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो सबसे पहले मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे पहले मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, और सबसे ज़रूरी बात, अगर यदि आप आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो जैसे लिंक कर लें, क्योंकि यहाँ ही पैसा अटकता है। तो चलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट लग जाएगा, FSC कोड जो न्यू चेंज हुआ है, FSC कोड वो भी आप पता कर लें, और बैंक होल्डर का जो नाम होता है वो नंबर चाहिए। साथ ही साथ यहाँ मोबाइल नंबर और इनकम सर्टिफिकेट मस्ट ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार जो है मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ कि पिछले बार बहुत ऐसे कैंडिडेट जो पुराना वाला भी इनकम सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, जिनका पैसा रुक गया था। चलिए मैं यहाँ तक तो मैं बता दिया हूँ। चलिए ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए तो मैं आप बात कर लेता हूँ 12th पास जो 2021 में किए हैं उसके स्कॉलरशिप के लिए क्या क्वेरी है, ये क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में है। तो इस पर क्लिक कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर ई कल्याण इंटर स्कॉलरशिप 2021 12th पास 2021 के बारे में यहाँ अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, यहाँ पे बताया जाए, हम आपको बता दें कि मालूम हुआ है कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के माध्यम से इंटर में हुए पास हुए हैं उनमें कितना पास करने के लिए 25,000 दिए जाने वाले हैं, ऐसा ऐलान फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है। और फर्स्ट डिवीज़न वाले को 10,000 मिलेगा ना, और सेकेंड वाले को 8,000, सेकेंड वाले को 8,000 रुपये किनको मिलेंगे, जो SC ST कास्ट में आते हैं उनको मिलेंगे। तो चलिए इस तरीके का था, और साथ ही साथ मैं बात कर लूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके रखना है अप्लाई होने से पहले, क्योंकि डेट बहुत जल्द आने वाला है, ये COVID-19 जैसे ही ख़त्म होगा अगले मंथ आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लगेगा 12th पास जो किए हैं उसका स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, वो भी गवर्नमेंट में ना, गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए, कोई प्राइवेट बैंक में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे FSC कोड आना चाहिए, ब्रांच नेम होना चाहिए, 12th का मार्कशीट, मोबाइल नंबर और आधार नंबर कंपलसरी है, और यहाँ पे तो मेंशन एक नहीं किया गया है, इनकम सर्टिफिकेट वो मस्ट ज़रूरी, वो जल्द से जल्द आप लोग बना के रख लें। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा इस तरीके से,
और चलिए ये तो सारी जानकारी थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे और कितने पैसे लेंगे, ये सारी जानकारी मैं बता दिया हूँ। फिर भी कोई जानकारी रह गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ भी आप जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए चलिए आगे मैं बताता हूँ। ग्रेजुएशन के बारे में मैं थोड़ा बात कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लूँ तो उसके लिए भी रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। जो भी ग्रेजुएशन 2021 में पास किए हैं उन सबों का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या कब तक आएगा पैसा, नहीं आएगा और कब से अप्लाई होगा। तो स्कॉलरशिप 2021 ये अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो गया है, जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर लें। और इसमें जो है ना 50,000 रुपये मिलने का यहाँ पे चांस है, और सेकंड डिवीज़न जो पास किए हैं उसको 25,000 रुपया मिलने वाला है, ये गर्ल्स के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। और सबसे ज़रूरी मैं बात बता दूँ, मैट्रिक में लड़के और लड़कियाँ फर्स्ट और सेकंड वाले को मिलता है, और इंटर में सिर्फ लड़कियों को ई कल्याण के द्वारा स्कॉलरशिप में पैसा 10,000 रुपया दिया जाता है। और जो एससी एसटी कास्ट से आते हैं उसमें कोई बॉयज़ को, एससी कास्ट वाले बॉयज़ को ही पैसे मिलेंगे, इसे नोट कर लें। और साथ ही साथ आगे चलिए मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में जो आप जो फर्स्ट डिवीज़न पास किया उसको 50,000 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जाके इस वीडियो पे सर्च भी मार सकते हैं चैनल पे तो मिलेंगे, और 25,000 रुपया सेकेंड डिवीज़न जो पास किए हैं वो मिलेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा न्यूज चल के आ रहा है कि मेरे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, और किस तरीके से आएगा नहीं। अगर आपका कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप जाके कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे चूज़ करके आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी खुद कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं, उससे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। और इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ, तो मेरे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर लें। और वीडियो पे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि मेरे वीडियो पे नए आएँ तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैं अक्सर लेके आते रहता हूँ, वो भी सबसे पहले। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए चलिए मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।